हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट ज्ञान। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। टू कैलकुलेट दी वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, एम बार डब्ल्यू से हम इसे डिनोट करते हैं वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट को। इट इज़ नेसेसरी टू नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच गिवन मॉलिक्यूलर मास टू द मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, तो हमें ईच कंट्रीब्यूशन को देखना होगा, ईच मॉलिक्यूलर मास के कंट्रीब्यूशन को देखना होगा। मॉलिक्यूलर मास क्या हुआ? एक स्मॉल मॉलिक्यूल का मास, उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है टोटल एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के लिए। तो एम बार डब्ल्यू दैट इज वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री डिवाइडेड बाई एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री। यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? आर दी मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर चेन। तो ये क्या है? पॉलीमर चेन का मॉलिकुलर मास है। हैविंग मॉलिकुलर वेट एम वन एम टू एम थ्री, जिनका जो मॉलिकुलर वेट है वो है एम वन एम टू एम थ्री। तो हमें यहाँ पे एक पॉलीमर चेन का मॉलिकुलर मास देखना है, तभी जा कर के टोटल जो हमारा एवरेज मॉलिकुलर वेट होगा वो निकलेगा। तो हमें ये भी जानना है कि एक पॉलीमर चेन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है टोटल एवरेज मॉलिकुलर वेट में, उसका कितना मॉलिकुलर मास है। तो अगर हम एक्स वन की वैल्यू को पुट करें तो एन वन एम वन आ जाएगा हमारे पास, मतलब कि एक पॉलीमर चेन है हमारी, उसमें नंबर ऑफ मोनोमर्स हैं और उन नंबर ऑफ मोनोमर्स का डिफरेंट डिफरेंट मॉलिकुलर मास है, तब जाकर के हमारे पास क्या बनी है? एक पॉलीमर चेन बनी है। तो वहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन किस तरह से आएगा? उनके नंबर कितना है उनका, और उनका एक एक का मास कितना है, तो हमने इस तरह से लिख दिया। तो ये क्या दे देगा? उस चेन का मॉलिक्यूलर मास दे देगा हमारे पास, उस पर्टिकुलर पॉलीमर चेन का। तो उसी तरह से एक्स टू एक्स थ्री के लिए भी हो जाएगा। अगर हम एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन वन में तो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, एम बार डब्ल्यू वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू एम वन एन वन एम वन प्लस एम टू एन टू एम टू। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, एम वन को स्क्वेयर कर दिया हमने, एन वन एम टू स्क्वेयर प्लस एम थ्री एम टू एम थ्री स्क्वेयर, इस तरह से हमने लिख दिया इसे। तो अब हम इक्वेशन टू को किस तरह से लिख सकते हैं? वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ एन आई एम आई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ एन आई एम आई। तो जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि हम इस बेस पर कैलकुलेट करते हैं वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट को, कि हमारा जो ईच मॉलिकुलर मास है उसने कितना कंट्रीब्यूट किया है, मतलब कि हमारी एक एक पॉलीमर चेन ने कितना कंट्रीब्यूट किया है टोटल एवरेज मॉलिकुलर वेट के लिए। तो ये किस बेस पर डिपेंड करता है? इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट बिगर मॉलिक्यूल कंटेन मोर मास देन स्मॉलर मॉलिक्यूल। ये हमें पता है कि जो हमारा बिगर मॉलिक्यूल होगा उसका मास ज़्यादा होगा देन द स्मॉलर वन। दस लार्जर द साइज ऑफ मॉलिक्यूल मोर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। तो इसलिए जितना ज़्यादा साइज होगा उसका उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के लिए। तो यहाँ पे क्या बात आई? हमें यहाँ पे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, हमें ये देखना है कि साइज कितना है उसका। तो यहाँ पे पूरी बात किस पर डिपेंड करती है? साइज पर। जितना ज़्यादा साइज होगा पॉलीमर चेन का उसका उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के लिए। तो हमें वो बात जाननी है, हमें नंबर से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से हम नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट में नंबर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, यहाँ पे हम मास को प्रेफरेंस देंगे। फेयर एम आई इज द वेट ऑफ अ चेन, यहाँ पे हमने एम आई लिखा है, तो ये क्या है? एक चेन का वेट है। एन आई इज द नंबर ऑफ चेन्स ऑफ दैट मॉलिकुलर वेट। तो एन आई क्या है हमारे पास? उस मॉलिकुलर वेट की हमारे पास कितनी चेन्स हैं ये बताता है हमारे पास नंबर। एंड आई इज द पॉलीमर मॉलिक्यूल, आई हमें रिप्रेजेंट करता है पॉलीमर मॉलिक्यूल को। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो वेट एवरेज मॉलिकुलर वेट। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। टिल देन गाइस, टेक केयर, गुड बाय।